Hi guys, welcome to the new episode of the color pencil tutorial series, and in this video I am going to teach you how you can create this forehead area realistically with the DOMS color pencils. And for that purpose I am gonna use these shades, and this pencil is the Apsara glass marking pencil for your information. Now let's get started. तो इसको shade करने का हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम इसके forehead की जो outlines हैं उसको थोड़ा सा define कर लें. इससे हमें shading करते वक्त help मिलेगी कि इसकी जो outlines हैं वो fade नहीं पड़ेंगी. First of all we will define the outlines of this part with the any dark pencil like black color pencil or brown color pencil. This process is important to avoid the smudging of the outlines while the shading process. So forehead ki outline define karne ke baad ab hum iske upar base layer create kar sakte hain with the light flash color. So after creating the outline of the forehead area, now we can start with the light flash color. Creating the first layer is very important with this pencil because it will give you the base shade of the area, and it is must ki आपकी पेंसिल शार्प रहे एंड एवरी स्ट्रोक शुड बी क्लोज टू ईच अदर. जितने भी आप स्ट्रोक्स लगाओगे, जितना वो क्लोजली लगेंगे उतनी ज्यादा अच्छी फिनिश आपके वर्क में आएगी. तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट लेयर क्रिएट करने के बाद हम सेकंड लेयर क्रिएट कर सकते हैं विद द लाइट पिंक कलर, बिकॉज इस एरिया के ऊपर हल्की सी पिंक शेड भी हमें दिखाई दे रही है. आफ्टर क्रिएटिंग द फर्स्ट लेयर विद द लाइट फ्लैश कलर, नाउ यू कैन क्रिएट द सेकंड लेयर विद द लाइट पिंक कलर, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व द लाइट पिंक शेड. नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड लेयर, और ये वाली लेयर हम करेंगे विद द येलो ब्राउन शेड. इस वाली लेयर को आपने लेफ्ट साइड और सिर्फ राइट साइड के ऊपर ही अप्लाई करना है, सेंटर में नहीं करना, बिकॉज सेंटर में हमें ये वाली शेड की जरूरत नहीं है. वी विल क्रिएट दिस लेयर ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ओनली, बिकॉज वी डोंट नीड दिस शेड कलर इन द सेंटर. एंड नाउ लेट्स क्रिएट द फोर्थ लेयर विद द ऑरेंज ब्राउन शेड, और ये वाली शेड आपने लेफ्ट साइड के ऊपर क्रिएट करनी है इस एरिया में. और फिर इसके बाद आपने शेड क्रिएट करनी है विद द रेड और द पिंक कलर, और वो भी लेफ्ट साइड में आपने क्रिएट करनी है. आफ्टर दिस शेड वी विल क्रिएट दी अनदर शेड विद दी रेड और दी पिंक शेड ऑन दी लेफ्ट साइड. तो मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करने के बाद अब हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और ब्लेंड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है. आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल के साथ रोलिंग मोशन में इसके ऊपर पेंसिल को यूज करना है, या फिर आप लीनियर मोशन में यूज कर सकते हो. लीनियर मोशन का मतलब है कि आप स्ट्रेट लाइन में इसको यूज कर सकते हो इसके ऊपर, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर यूज करते रहोगे पेंसिल की टिप के साथ जो प्रेशर क्रिएट होगा इसकी लेयर के ऊपर, तब इसके पार्टिकल्स आपस में ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये वाला प्रोसेस काफी स्लो रहेगा, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा. जहाँ भी आपने जल्दबाजी की वहाँ पर ही इसका काम थोड़ा सा खराब हो सकता है. So after creating the multiple layers on the surface, now you can start blending the layers, and the blending process is very simple. You just need to use the pencil in the rolling motion or the linear motion, and when you apply the pressure on the layer through the tip of the pencil, then the layered particles will start blending to each other. This process will take some extra time, but you just need to be patient. Don't be in a hurry, otherwise it will not be done properly. And you can also use the Apsara glass marking pencil for the white surfaces. This will also help to blend properly. वैसे तो ये एरिया काफी अच्छे से शेड हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जिसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मतलब कि उसके ऊपर एक स्मूदर स्किन बेस क्रिएट करना मुश्किल हो रहा है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप वैसलिन जेली यूज कीजिए विद दी एयरबड, और फिर एयरबड की टिप के ऊपर हल्की सी वैसलिन जेली लगाकर आप उन स्पॉट्स के ऊपर इसको यूज कर सकते हो जिसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए. ऐसा करने के बाद आप फिर से इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट कीजिए, और फिर आप इसके बाद इसके ऊपर स्मूथ बेस क्रिएट कर पाओगे. Sometimes you aren't able to blend some spots on the surface, so to do that you can use the Vaseline jelly with the air bud. You just need to apply a little bit on the tip of the air bud and then use it softly on the surface. This will allow you to make the smoothest skin base, but please make sure don't use it excessively, otherwise it will become more slippery and you won't be able to create the next layer on it. तो finally forehead वाला part अच्छे से shade हो चुका है. मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की इसको best से best shade करने की, और वाकई में इन pencils के साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. और एक जरूरी बात ये कि इस सीरीज में स्किन शेडिंग वाला पार्ट सिर्फ इसी वीडियो तक था. इसके बाद वाली सिर्फ एक वीडियो और आएगी शायद, जिसमें आपको मैं हेयर ड्रॉइंग करना सिखाऊंगा विद दिस डॉम्स पेंसिल्स, और वो वीडियो इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी. और इसके अलावा बाकी के जितने पार्ट्स रह जाएंगे शेड करने वाले, वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करिए, क्योंकि जो चीजें जरूरी थी सीखने के लिए इस सीरीज में वो सभी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, और उसी के बेस पे आप बाकी चीजें क्रिएट कर सकते हो. तो यही सब था इस ट्यूटोरियल सीरीज में. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, और कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
अगर आपको मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज्यादा डिटेल और डेप्थ में सीखना चाहते हैं हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए और आपका ड्रीम है कि आप इस लेवल तक की ड्राइंग बनाना सीखो तो मेरा ट्रू रियलिज्म वाला कोर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।